दोस्तों तकरीबन 8-9-10 दिन पहले जो है मैंने बजरी के 3 पेयर इस वाले केज में डाले थे अलग अलग खानों में, और उसमें जो है उसी वक्त मैंने मटकियाँ लगा दी थी क्योंकि सारे पेयर जो है वो सेट हुए हुए थे। और आज मैंने चेक किया तो इसमें से 2 मटकियों में जो है वो अंडे आ चुके हैं। एक तो दोस्तों ये वाली मटकी के अंदर अंडे और एक जो है इस वाली मटकी के अंदर अंडे। बीच वाली ने अभी अंडा नहीं दिया लेकिन बीच वाली को मैंने सुबह मैटिंग करते हुए देखा था इसको पेयर को, तो इंशाल्लाह ये भी अंडा दे देगी। तो चलें दोस्तों मैं जो हूँ आपको मटकियाँ दिखा देता हूँ। पहले जो है दोस्तों ये वाली मटकी का दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों इसके अंदर जो है एक अंडा है, मैं इसका अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर जो है 2 अंडे, इसके अंदर एक अंडा है, और ये वाला इंशाल्लाह 3-4 दिन में ये भी अंडे दे देगी। और इसके अलावा एक पेयर जो है मैंने 2 दिन पहले शिफ्ट किया है, एक पेयर ये जो ब्लू वाला बैठा हुआ इनर है और वो वाली जो है वो माती है जो जाली पे चढ़ी हुई है, तो ये भी मैंने शिफ्ट किया है। इंशाल्लाह इसको भी जो है 1 हफ्ते बाद में मटकी लगा दूंगा। और इस तरफ जो है मैंने कुछ बच्चे शिफ्ट किए थे बजरी के कॉलोनी से निकाल के जो बड़े हो गए थे, ये आप देख सकते हैं ये भी जो है फुल उड़ने लग गए। ये देखें ऊपर बैठने, वरना पहले दिन डाला था तो काफ़ी जो है वो डरे हुए थे, अब जो है देख सकते हैं ये ऊपर आके उड़ने भी लग गए। इंशाल्लाह जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बच्चे फिर जो है मैं बड़ी जगह में डालूंगा। और इसकी जो है मैं टाइम टू टाइम अपडेट आपको देता रहूँगा कि कितने अंडे दिए हैं, कितने बच्चे निकले हैं और क्या क्या होता रहा, तो मैं आपको सब बताता रहूँगा जैसे मैं बाकी चीज़ों का बताता रहता हूँ। तो बस यही आप लोग को एक साथ दोस्तों वीडियो शेयर करनी थी, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।